यदि किसी देश में परमाणु बम से हमला होता है तो वहाँ के नागरिक किस तरीके से अपना बचाव कर सकते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने हाल ही में बताया है कि परमाणु हमला होता है तो हमें बचने का बहुत ही कम चांस मिलेगा। ऐसे में हमें पहले से सुरक्षित स्थानों और तरीकों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। दरअसल परमाणु बम बेहद ही खतरनाक होता है। विस्फोटक के बाद रेडिएशन निकलता है और इंसान के जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है। जब परमाणु बम विस्फोट होता है तो इसका एक कण 3 कण को छोड़ता है और इसकी गति में क्वालिटेटिव ग्रोथ होती है। तो ऐसे में ये कितना विनाशकारी हो सकता है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इस हमले का असर उस जगह की आने वाली कई पीढ़ियों को झेलना पड़ता है। कई सालों तक तरह तरह की बीमारियां होती रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए एजेंसी ने बताया है कि हमले के 24 घंटे तक लोगों को अपने घरों में बंद रहना चाहिए, जिससे उन पर रेडिएशन का कम खतरा और उनकी जान की रक्षा हो सके। बम विस्फोट के तुरंत बाद ही घर के अंदर मुंह के बल जमीन पर लेट जाएं। चेहरे को मां से ढककर रखें, जब तक कहा न जाए तब तक घर से ना निकलें। अगर घर में अंडरग्राउंड है तो यह सबसे सुरक्षित जगह है। घर के सभी खिड़की दरवाजे अच्छी तरह से बंद कर लें, जिससे हवा के साथ रेडियोएक्टिव गंदगी अंदर ना जा पाए।